नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज आपको बताया ही होगा, मार्केट में हमें भारी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 11,800 को टच करके हमें 11,400 के भी नीचे क्लोज होता हुआ नजर आया, जिसके पीछे मेन रीजन था इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर का टेंशन। और साथ ही साथ एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो GDP का डेटा आएगा बुरा आ सकता है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। और GDP का डेटा आ चुका है और कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है 23.9% का। तो ऐसी सिचुएशन में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्हें हम खरीद सकते हैं, क्योंकि एट लास्ट जब मार्केट में गिरावट होती है उसे हमें एज अ अपॉर्चुनिटी भी हमें लेना होता है, वहां पर अच्छे स्टॉक्स को बाय भी करना होता है। तो ऐसे कौन से स्टॉक हैं वहां पर हम बाइंग कर सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं इंडिया GDP क्वार्टर वन डेटा लाइव अपडेट्स, इंडिया GDP कॉन्ट्रैक्ट्स बाय 23.9% इन अप्रैल टू जून क्वार्टर, यानी कि क्वार्टर वन में हमारी GDP यहां पर ग्रोथ तो छोड़ दीजिए, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। कितना कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया, आप देख पाएंगे। एज पर द डेटा रिलीज बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि NSO, इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर द अप्रैल जून क्वार्टर स्लिप बाय अ शार्प 23.9%। भारी गिरावट हमें यहां पर देख को मिल चुकी है। द डेटा रिलीज बाय NSO विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इज वाइटल एज इट विल प्रोवाइड द फर्स्ट बेंचमार्क ऑन द स्टेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी आफ्टर द पैंडेमिक। द जून क्वार्टर GDP डेटा इज द वर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस। तो आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 के बाद इतनी बुरी डेटा, इतना बुरा डेटा हमें कभी भी देखने को नहीं मिला है। यहां पर 23.9%, तो हम कह सकते हैं कि 24% के आसपास का हमें कॉन्ट्रैक्शन GDP में देखने को मिल चुका है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी सर्वेड बाय ब्लूमबर्ग, इंडियाज GDP इज एस्टिमेटेड टू हैव डिक्लाइंड 18% इन द क्वार्टर एंडेड जून। यहां पर एस्टिमेट लगाया था 18% का, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन कितना देखने को मिला है 23.9%, यानी कि तकरीबन 24% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा गिरावट हमें यहां पर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्हें हम बाय कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे बाइंग लेवल पर भी आ चुके हैं, क्योंकि जब मार्केट में गिरावट होती है तो उसे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ही लिया जाता है। जब मार्केट ऊपर जाता है तब तो सेलिंग का समय होता है, और अब मार्केट गिरने वाली है ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। इंडो चाइना की वजह से 800 गिरावट देखने को मिली है, और साथ ही साथ यहां पर एक्सपेक्टेशन थी कि GDP का डेटा खराब आ सकता है, और ये तो था ही, GDP का डेटा खराब आया भी है लेकिन एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा आया है। तो कल या फिर परसों गिरावट कंटिन्यू रह सकती है, इसके चांसेस यहां पर बढ़ जाते हैं। तो कौन से स्टॉक्स को कौन से लेवल्स पर बाय करना है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 23.29 है, यानी कि ओवरसोल्ड सिचुएशन यहां पर दिखाई दे रही है। RSI के नंबर के बारे में बात करें तो RSI का नंबर है 31.84, यानी कि ये भी ओवरसोल्ड होने ही वाला है। MACD के बारे में बात करें तो MACD में हमें यहां पर बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिल चुका है, काफी समय पहले बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिला था और उसके बाद अच्छी खासी गिरावट भी HUL में देखने को मिली है। अगर बात करें यहां पर बॉलिंजर बैंड के बारे में, तो बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के काफी ज्यादा स्टॉक नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। लोअर बैंड का लेवल है 2139 का लेवल, मीडियन है 2189 का लेवल, अपर बैंड है 2239 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 2228 के आसपास का लेवल। रेजिस्टेंस की बात करें तो यहां पर 2331 के आसपास का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। नीचे सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो ये अपने सपोर्ट पिवट सपोर्ट के आसपास ही खड़ा है। यहां पर आप देख पाएंगे ग्रीन लाइन आपको दर्शा रही है पिवट पॉइंट्स का सपोर्ट। अगर ये लेवल टूटता भी है तो हमें यहां पर 2000 का लेवल है जो कि एज अ सपोर्ट दिखाई दे सकता है। अगर बात करें यहाँ पर इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में, जहाँ पर एक कैंडल वन मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, तो आप देख पाएंगे कभी भी ज़्यादा गिरावट इसमें देखने को नहीं मिलती है। 20 मंथ्स के EMA के आसपास ही स्टॉक सपोर्ट ले लेता है, जो कि पर्पल लाइन आपको दिखाई दे रही है, वहाँ पर ही स्टॉक सपोर्ट ले लेता है और वापस हमें तेज़ी कंटिन्यू रहती हुई नज़र भी आती है। तो फिलहाल ये पर्पल लाइन यानी कि 20 मंथ्स का EMA कैलकुलेट होकर आता है 1980 के आसपास का लेवल। तो यहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिरावट स्टॉक में देखने को मिल चुकी है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर ये खड़ा रहता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 200 डेज का EMA, यहीं पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो यहां पर जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है करंट लेवल से ही बाइंग करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो पेशेंट इन्वेस्टर हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए 2000 का लेवल काफी अच्छा लेवल हो सकता है। 2000 से 2050 के आसपास स्टॉक कहीं पर भी आपको दिखाई देता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए बाय एंड डिप्स करना यहां पर शुरू किया जा सकता है।
नेक्स्ट स्टॉक है नेस्ले इंडिया, जो कि ऑफकोर्स यहाँ पर बिलोंग करता है एफएमसीजी सेक्टर से। यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट ओवर द टाइम हमें देखने को मिली है। अब देख पाएंगे आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 35.09। काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आरएसआई के नंबर में हमें दिखाई दे रही है। अगर बात करें यहाँ पर मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर में, तो यहाँ पर मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 34.88। यहाँ पर भी अच्छी खासी वीकनेस हमें देखने को मिली है। अगर बात करें एमएससीडी के बारे में, तो एमएससीडी में जो सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पर काफ़ी समय पहले ही बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिल चुका है और उसके बाद अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें, तो आप देख पाएंगे स्टॉक अपने बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और वहीं पर क्लोजिंग भी दिखाई है। अगर बात करें मीडियन के बारे में, तो वो 16,423 के आसपास का लेवल, अपर बैंड 16,846 का लेवल। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पिवट पॉइंट्स के बारे में, तो पिवट लेवल है 16,906 के आसपास का लेवल, रेजिस्टेंस है 17,380 के आसपास का लेवल। अगर बात करें सपोर्ट के बारे में, तो पिवट पॉइंट्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को आज इसने तोड़ दिया है। 16,048 का पिवट पॉइंट्स का सपोर्ट था, उससे भी नीचे जाए तो यहाँ पर 15,573 का लेवल भी दिखाई देता है। अगर बात करें इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में, जहां पर एक कैंडल वन मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, तो आप देख पाएंगे ज़्यादा गिरावट इसमें भी हमें कभी देखने को नहीं मिली है। धमाकेदार स्टॉक रहा है, जब भी सपोर्ट लेता है 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट ले लेता है, और जो फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 14,462 के आसपास का लेवल। तो यहाँ पर अगर बात करें पोजिशंस के बारे में, फ्रेश बाय यहाँ पर आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 डेज का मूविंग एवरेज जो कैलकुलेट होकर आता है 15,787 के आसपास, काफ़ी ज़्यादा नज़दीक ऑलरेडी यहाँ पर पहुँच चुका है। तो यहाँ पर एग्रेसिव इन्वेस्टर थोड़ा थोड़ा करके यही लेवल से करंट मार्केट प्राइस से बाइंग करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए 15,000 का लेवल काफी अच्छा लेवल है। यहां पर वो बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। 15,000 एंड बिलो का लेवल यहां पर बाय एंड डिप्स करते जाइए, लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है ब्रिटानिया इंडस्ट्री, जो कि ऑफकोर्स एफएमसीजी से ही बिलोंग करता है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था, अब तक का जो 20 डेज का ईएमए था, वही इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ था। बार बार स्टॉक वहीं पर सपोर्ट ले रहा था और वापस तेजी कंटिन्यू भी दिखा रहा था, लेकिन वो लेवल टूटता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर 50 डेज का ईएमए हमें दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं आरएसआई का नंबर है 40.2, यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल रही है। मनी फ्लो इंडेक्स के बारे में बात करें, तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 33.84 चला गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अच्छी खासी वीकनेस हमें देखने को मिली है। अगर बात करें एमएससीडी के बारे में, तो आप देख पाएंगे एमएससीडी में भी हमें यहां पर बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिल चुका है। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में, तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के नीचे भी स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। लोअर बैंड है 3,747 का लेवल, मीडियन है 3,853 का लेवल, अपर बैंड है 3,960 के आसपास का लेवल, जो कि इसके लिए बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ था 4,000 के आसपास का लेवल। अगर बात करें यहां पर पिवट पॉइंट्स के बारे में, तो आप देख पाएंगे पिवट लेवल यहां पर टूटता हुआ नजर आ रहा है, 3,781 का लेवल था। नीचे के यहां पर सपोर्ट्स के बारे में बात करें, तो 3,553 का लेवल दिखाई देता है, उससे भी नीचे जाए तो यहां पर 3,283 का लेवल भी हमें दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल वन मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मोमेंटम में बनाकर दिया है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक धमाकेदार रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने हमें मना कर दिया है। जब भी गिरावट होती है, तो 20 मंथ्स का ईएमए और 50 मंथ्स का ईएमए एज ए सपोर्ट हमें दिखाई देता है। फिलहाल 20 मंथ्स का ईएमए कैलकुलेट होकर आता है 3,152 के आसपास का लेवल। आपको पता ही होगा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी फिलहाल इसमें देखने को मिली है, क्योंकि इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा शानदार हमें दिखाई दे रहे थे। प्रॉफिट हमें यहाँ पर डबल से भी ज़्यादा होता हुआ नजर आ रहा था। अगर बात करें यहाँ पर पोजिशंस बनाने के बारे में, तो फ्रेश बाय इनिशिएट की जा सकती है, लेकिन 3,500 का लेवल एक अच्छा लेवल हो सकता है, जहां पर आप फ्रेश बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो यहां पर आप 3,500 से 3,600 का लेवल है, वहां पर फ्रेश बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर बात करें कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के बारे में, जो कि थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं, थोड़े से पेशेंस रखने चाहते हैं, तो यहां पर उनके लिए एक जो लेवल अच्छा है, वो है 3,300 से लेकर 3,400 के आसपास का लेवल, वहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो यहां पर बाय एंड डिप्स करना शुरू कर सकते हैं। यहां पर हमें जो क्वार्टर रिजल्ट्स देखने को मिले थे, डबल होता हुआ नजर आता। आपको पता होना चाहिए ब्रिटानिया बिस्किट्स बनाने में कामकाज करता है, और लॉकडाउन में इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर उपयोग हुआ था, डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, यहाँ पर लोग बिस्किट्स जमा कर रहे थे, इसी वजह से हमें यहाँ पर तेज़ी भी देखने को मिली है। लेकिन ये तेज़ी कूल ऑफ हो सकती है, क्वार्टर टू के रिजल्ट थोड़े से हमें यहाँ पर निराशाजनक तो नहीं, लेकिन क्वार्टर वन के मुकाबले थोड़े से यहाँ पर गिरते हुए नजर आ सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है, यहाँ पर अगर आपको 3,500 का लेवल दिखाई देता है, तो वहाँ पर एग्रेसिव इन्वेस्टर बाइंग करना शुरू कर सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टॉक है ITC जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करता है, FMCG में भी कामकाज करता है, टोबैको में भी कामकाज करता है, पेपर में भी कामकाज करता है, होटल इंडस्ट्री में है, तो डाइवर्सिफाइड कंपनी से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर RSI का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 39.77। ओवर द टाइम हमें यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल रही है। अगर बात करें यहाँ पर मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर है 24.54। यहाँ पर हमें ओवरसोल्ड सिचुएशन देखने को मिल चुकी है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नीचे मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें MACD के बारे में तो MACD में जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं यहां पर हमें बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिल चुका है, तो यहां पर सेल सिग्नल हमें देखने को मिला है। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास ये स्टॉक हमें ऑलरेडी आता हुआ नजर आ रहा है। लोअर बैंड के लेवल के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली है। मीडियन है 196.9 का लेवल। अगर बात करें अपर बैंड के बारे में तो वह 203 के आसपास का लेवल। अब बात कर लेते हैं पिवट पॉइंट्स के बारे में, तो आप देख पाएंगे पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 198 के आसपास का लेवल, जिससे नीचे फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज वहीं पर ओपनिंग देखने को मिली थी लेकिन उसके बाद गिरावट आ गई। अगर बात करें रेजिस्टेंस के बारे में तो 204 का रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि स्ट्रिक्टली यहाँ पर बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, क्योंकि स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन स्टॉक वापस नीचे आता हुआ भी नजर आया है। नीचे के सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 187 का लेवल दिखाई दे रहा है, उससे भी नीचे जाए तो 181 का लेवल भी हमें एज ए सपोर्ट दिखाई दे सकता है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहाँ पर एक कैंडल वन मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट इसने हमें ऑल टाइम बना कर दी है। तो आप देख सकते हैं धमाकेदार स्टॉक रहा है, स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न्स बना कर दिए हैं, काफ़ी स्प्लिट्स बोनस दिए हैं, काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी दिया है। लेकिन आप देख पाएंगे 2017 के बाद हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे कई रीजन्स है, जिसमें से एक मेन रीज़न तो यही है कि सिगरेट्स में कामकाज करता है ITC, और यहाँ पर जो टोबैको है, यहाँ पर सिगरेट्स है, उस पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा चेंजेस लिया जाता है, पॉलिसीज में चेंज आ जाती है या फिर टैक्स बढ़ाया जाता है, उसकी वजह से ITC पर प्रेशर बना हुआ रहता है। लेकिन यहां पर आपको पता होना चाहिए ITC काफी ज्यादा कोशिश कर रही है कि यहां पर बिजनेस को चेंज किया जाए, अलग अलग सेक्टर से यहां पर रेवेन्यू को जनरेट करने की कोशिश कर रही है। और आपको पता होना चाहिए कि जो ITC का FMCG का जो आम है, FMCG बिजनेस है, वो ऑलमोस्ट ब्रिटानिया के जितना ही बड़ा हो चुका है। तो यहां पर अगर आप ITC को सिर्फ और सिर्फ टोबैको की तरह देख रहे हैं तो यहां पर आप गलती कर रहे हैं। यह भी एक अच्छा स्टॉक है, यहां पर भी आप FMCG की तरह बिजनेस, FMCG बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर यहां पर वैल्यू अनलॉकिंग देखने को मिलती है तो जबरदस्त हमें देखने को मिल सकती है। तो ये स्टॉक ऐसा है जो कि जिनमें पेशेंस है उन्हें ही ये बाय करना चाहिए। तो यहां पर लेवल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं वो 180 के आसपास के लेवल से बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। 180 से 190 का लेवल है, काफी अच्छा लेवल है, यहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए भी लेवल जरूर बताएंगे, जो कि है 160 से 170 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक यहीं पर इसी लेवल के आसपास दिखा देता है तो लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, यहां पर वैल्यू अनलॉकिंग आगे आने वाले सालों में हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसे ITC कामकाज कर रहा है, जो उसके यहां पर कदम दिखाए जा रहे हैं, जो यहां पर एक्सपेंशन के प्लान्स दिखाए जा रहे हैं, जो एक्विजिशंस देखने को मिल रहा है, यहां पर FMCG के दूसरी अलग अलग छोटी छोटी कंपनीज को यह ITC खरीदने की कोशिश कर रही है और खरीद भी चुकी है, तो यहां पर FMCG में बिजनेस बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो यहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। इस वीडियो में हमने GDP के बारे में बात की। इंडिपेंडेंस के बाद सबसे ज़्यादा GDP में कॉन्ट्रैक्शन हमें पहली बार देखने को मिला है, 23.9%। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा GDP हमें लुढ़कता हुआ नज़र आ रहा है, जो हमें यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी 18% के आसपास था, उससे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल चुका है। और यहाँ पर हमने उन स्टॉक्स के बारे में बात की है कि जो अच्छे प्राइस पर मिल रहे हैं, जहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ FMCG से ही रिलेटेड है, HUL, नेस्ले, ब्रिटानिया, साथ ही साथ ITC भले ही प्योर FMCG नहीं है लेकिन FMCG से रिलेट जरूर करती है। तो यहां पर FMCG बिजनेस को चूज करने का एक रीजन है, ये डेली बेसिस पे काम का जाने वाली चीजें होती हैं, साबुन हो गया, शैंपू हो गया, खाने वाले बिस्किट्स हो गए, मैगी हो गए, चॉकलेट हो गए, ये सारी डेली बेसिस पे काम का जाती हैं चीजें। तो यहां पर जब मार्केट क्रैश देखने को मिलता है, जो कि हमें मार्च में भी देखने को मिला था, तब भी जो गिरावट हुई थी इन स्टॉक्स में कंपैरेटिवली कम गिरावट देखने को मिली थी। और इसीलिए फिलहाल जब सिचुएशन खराब होती है, यहां पर इंडो चाइना में भी हमें टेंशन देखने को मिल रहे हैं, GDP में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा
ज्यादा हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे हमें गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है। अगर थोड़ी सी भी गिरावट होती है मार्केट में, क्योंकि वैसे भी मार्केट ओवर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, पी रेशियो 32-33 के आसपास पहुंच चुका है, तो हमें यहां पर 5-10% का भी अगर करेक्शन देखने को मिल जाता है मार्केट में, तो काफी ज्यादा स्टॉक्स नीचे आते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये ऐसे स्टॉक हैं जो कि कंपैरेटिवली मार्केट के हिसाब से कम गिरेंगे, तो यहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। और दूसरे कोई भी सेक्टर के स्टॉक्स रहेंगे अच्छे प्राइस पर आएंगे तो जरूर मैं आपको नोटिफाई करूंगा। ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अपने पोर्टफोलियो में बनाकर रख सकते हैं। और अगर आपको अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना है तो इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।